या सब्जी का दोनों काम करते हैं या दूध का व्यापार करते हैं, आप लोग इसको क्लब कर लें। किस वार्ड में आप ले जाना चाहते हैं। इसी तरह से किराना व्यापारी या तो आप लोग बैठी करो या अलग अलग ले लो, लेकिन करना यही होगा कि वैकेट आप लीजिए, सामान उस पर रखिए, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये बता दीजिए, या फिर जो हम बता रहे हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट और बेहतर से किया जा सकता है वो आप बता दीजिए। के पूरे जनपद में धारा 144 प्रवर्तन में है, और जो लोग अनावश्यक रूप से इस लॉकडाउन को तोड़ करके और बाहर निकलेंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 144 धारा के तोड़ने के संदर्भ में उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी और उनके वाहन को जब्त किया जाएगा। अनावश्यक रूप से निकलने पे पूरी तरीके से प्रतिबंध है। 21 दिन तक सबको कन्फाइंड रहने के लिए कहा गया है और सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया है। केवल जो आवश्यक वस्तुएं हैं, मेडिकल स्टोर है, किराना है, सब्जी है, इनकी सप्लाई के लिए ही दुकानें 8 से 12 के लिए खोलने की बात की गई है। अभी आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के साथ और समस्त अधिकारियों के साथ बैठक की गई है कि इन दुकानों को भी बंद करके डोर टू डोर सप्लाई करने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। जैसे ही इस व्यवस्था पे कोई व्यवस्था बन करके निकलेगी, सभी लोगों को डोर टू डोर सप्लाई पर सब्जी और किराना की वस्तुएं मिलेंगी। और सबसे यही अनुरोध है कि अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें और पूरी तरीके से लॉकडाउन का समर्थन करें। सर, अगर इस तरह का लॉकडाउन है, धारा 144 को तोड़ते हैं, तो किस तरह की सजा का प्रावधान है? जो लोग धारा 144 का उल्लंघन करेंगे, अनावश्यक रूप से बाहर निकलेंगे, उनके विरुद्ध 188 IPC के तहत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और उनके वाहन को चालान किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सजा ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ये है कि उसका समर्थन करें लोग।